जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग अब अपने कैंपस में आ चुके हैं। टोटल हमने 24 किलोमीटर का दूरी कवर किया। जाने में हम लोग को लगा था 12 किलोमीटर, एक घंटा 20 मिनट पहले लड़का पहुंचा था जाते समय, और जो लास्ट लड़का है वो 12 किलोमीटर की दूरी एक घंटा 30 मिनट में तय किया। लेकिन जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, कोच बुद्धा सेंटर सेंटर ब्यास नालंदा। आज जैसा कि देख रहे हैं, आज शनिवार संडे है और 27 तारीख है। आज का था फॉरेस्ट गार्ड को चलाना 24 किलोमीटर का टास्क, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि समय के अंदर पूरा हो जाए। हम लोग बिहार सिर्फ चले थे 6 बजे, अभी नियार में आकर रुके हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि नियार में है। अब यहाँ से अगला पड़ाव हमारा होगा सीधा नूरसरा जाके हम लोग टाइम देखेंगे कि हमारा आदत आप दूरी कवर करने के बाद कितना समय लगा। तो तैयार है? यस सर। जॉगिंग में कवर करेंगे एकदम सिंगल लाइन में। स्टार्ट, चल ले एकदम लाइन से, इधर लाइन को जॉगिंग कर पके। ओमटे कोई करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी नूरसरा थाना पहुंच चुके हैं, जो कि हम लोग कैंपस से दूरी 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर हम लोग को पहुंचने में जो लास्ट लड़का आया उसको लगा 1 घंटा 30 मिनट, जो सबसे पहले आया उसको लगा 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि जो सबसे पहले और जो लास्ट में आया उसके बीच में 10 मिनट का दूरी था। बस 10 मिनट में उन्होंने दूरी कवर कर लिया। अब 10 मिनट का ब्रेक मिला है, फिर यहाँ से लौटेंगे 12 किलोमीटर। अब देखते हम लोग कितना समय मिलता है, तब तक बने रहिए हम लोग के साथ। आठ बज चुका है, लोग हम 15 मिनट रेस्ट किए थे। अब नूरसरा से निकल रहे हैं, नूरसरा से अब वापस कैंप में जाने में कितना समय लगता है ये कैंप में पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। पर तैयार है? अरे तैयार है, एडवांस लंबा लंबा स्पीड में चलेगा।
लंबा लंबा टैग ओवर टैग नहीं करेगा लंबा लंबा टैग चल करे जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग अब अपने कैंपस में आ चुके हैं। टोटल हमने 24 किलोमीटर का दूरी कवर किया। जाने में हम लोग को लगा था 12 किलोमीटर, एक घंटा 20 मिनट पहले लड़का पड़ा पहुंचा था जाते समय, और जो लास्ट लड़का है वो 12 किलोमीटर की दूरी एक घंटा 30 मिनट में तय किया। लेकिन वही दूरी लौटने के समय में वहां पर हम लोग 20 मिनट आराम भी किया। कितना देर आराम दिया था आप लोग? 20 मिनट दिए थे, जिसका आप देख रहे हो वीडियो। दो दो बिस्किट दिए इन लोगों को, पानी पिलाया, 20 मिनट का आराम दिया। वो सारा टाइम उसी में इंक्लूड था, यानी हम 6 बजे चले थे और 9:30 बजे सब लोग पहुंच गए। टोटल कितना घंटा हुआ? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा में आप लोग कितना बजे आराम किए? 20 मिनट आराम किए। तो बचा हुआ समय में आप लोग 24 किलोमीटर कवर कर लिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये फॉरेस्टर का परीक्षा पास कर चुके हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, ये जहानाबाद के रहने वाले हैं, और ये घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। इनका जो हमको फोन किए थे, बोले सर 4 घंटा में 20 किलोमीटर ज्यादा नहीं चल पाते, अच्छा मेहनत किए थे। आज इनसे पूछिए कि इनको आप 24 किलोमीटर में कितना समय लगा? 24 किलोमीटर में 3.5 घंटा उनको समय लगा है, और 20 मिनट नाश्ता किए उसी समय इंक्लूड। देखिये, नाश्ते का समय इंक्लूड इसे रखा गया कि अगर आपको जब चिड़ियाघर में आप चलिएगा तो लगेगा कि आप थोड़ा देर रुक जाते, तो ये देखिए कि ज्यादा ज्यादा 20 मिनट या 15 मिनट इससे स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, आधा घंटा मार्जिन में लेके चलिए। लड़कियां आइए, देखिए ये लड़की है, जाते समय बोल क्या लगा था? नाम है काजल। जब हम लोग बोले कि 24 किलोमीटर चल रहे हैं तो शुरू में ना नुकुल कर रहे थे, बोला हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये चलना शुरू किए तो लड़कों के बराबर ही चल पाए। कोई दिक्कत नहीं ना आया? अब पैदल गए कहाँ तक गए थे? नूरसराय थाना तक गए थे। कैंपस से नूरसराय थाना की दूरी टोटल 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर पहुंचने के बाद इनको 20 मिनट का आराम दिया गया, फिर भी आई। इनसे हम रास्ते में पूछे कि भाई ऑटो में बैठना चाहती हो, तो एक ही जवाब बोले कि बिल्कुल नहीं सर, हम चल लेंगे, और चल पाए। इनको लगा है 3 घंटा 10 मिनट में पहुंच गई, जबकि इनको चलना कितना है? 14 किलोमीटर चलना है, और आप लोगों को 24 किलोमीटर। अब जब जो लड़की 3 घंटा 3.5 घंटा 3.5 घंटा में 24 किलोमीटर चल पा रही है, 14 किलोमीटर कितना देर में चलोगे? 2 घंटा। तो ये होता है तैयारी।
किसी को दिक्कत सर? अभी पसीना आ रहा है, अभी सभी लोग ये नींबू पानी पी लो, चल लाइन से लगे नींबू पानी पी लो। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, अभी कैंपस में नींबू पानी की व्यवस्था दिया गया है, सबको नींबू पानी दे रहे हैं ताकि जो हरासमेंट हुआ इनको पसीना आया। दो दो गिलास दीजिएगा, एक गिलास से दो गिलास आराम से पीजिए बाद तक। और किसी को दिक्कत है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपको लगता है रियल टाइम यही होता है, हम लोग कभी गलत टाइम नहीं बताते हैं। एक कैंडिडेट आपको बता सकता है कि हमारा कितना टाइम लग रहा है, आप चेहरे से देख सकते हैं, पसीने से देख सकते हैं, सभी का पूरा कपड़ा गीला है। तो अगर आपको लगता है कि बुद्धा आपके लिए अच्छा है तो आप एक बार जरूर आइए। बहुत सारे हम लोग चल रहे थे, उस टाइम कॉल आ रहा था लड़कों का, टेक्निकल का, नर्सिंग का, कि सर हमसे रिटर्न नहीं निकलता। तो हम बार बार आपको वीडियो में बता रहे हैं कि रिटर्न का फुल व्यवस्था, 6 घंटा रिटर्न कराया जा रहा है, 4 घंटा टीचर लोग पढ़ाते हैं और 2 घंटा का क्लास हम लेते हैं, उसमें सब विषय का रिविजन प्लस जितना भी इंक्वायरी पूछताछ कहीं से भी पूछते हैं वो हमें पूछते हैं। तो आपको अगर भरोसा है तो आप जरूर आइए, हमको भी पानी पिलाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।